जी बताएं। I'm Yashasvi Soni from Jodhpur, Rajasthan, and currently studying at National Institute of Design and pursuing design as my career. आपको किस तरीके का ये जुनून लगा, किस तरीके का आपको रिपोर्ट बनाया आपने, क्या है? ओके, सो मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में थी, अराउंड 7 ईयर्स की, तब से मुझे ड्राइंग का शौक लगा एंड मैंने स्टार्ट किया, और जैसे जैसे करती गई और मेरा इंटरेस्ट और इस फील्ड में बढ़ता गया, एंड एक दिमाग में यही ख्याल रहता था कि हमेशा कुछ डिफरेंट करना है। आई नेवर वॉन्टेड टू कॉपी अदर्स, तो अलग अलग आर्ट स्टाइल्स ट्राई करती गई, और उस हार्डवर्क से आज तक मैं अराउंड हर आर्ट स्टाइल को मैं ट्राई करी हूँ और उसमें एक्सेल करी हूँ। तो इतना वर्क करने के बाद एक ख्याल आया माइंड में, क्यों ना एक रिकॉर्ड बनाया जाए जो कि जोधपुर से रिलेटेड हो। तो मैंने जोधपुर का एक हेरिटेज, दैट इज़ उम्मेद भवन पैलेस, 12 अलग अलग सरफेसेस पर बनाया। दोज वर पेपर, नेल, कॉफ़ी एंड लीफ, एप्पल, आलमंड, टैबलेट, राजमा एंड ऑफ कोर्स फैब्रिक। सो ऑल दीज वर माई ऑब्जेक्ट्स विच आई पोर्ट्रेट टू, ऑन विच आई पोर्ट्रेट द हेरिटेज उम्मेद भवन पैलेस, और ये रिकॉर्ड बनाया। और वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मैंशन, दैट इज़ माई फैमिली सपोर्ट, बिकॉज ये सब कुछ जो किया है दैट वॉज नेवर पॉसिबल विदाउट देम। आज तक जितने भी मेरे क्रिएटिव आइडियाज़ थे इस फील्ड को लेकर, मुझे ना सिर्फ उन पर उनको इम्प्लीमेंट करने का जुनून उनसे मिला, बल्कि हर एक आइडिया पर उनका सपोर्ट इस तरीके से रहा कि वो लोग भी उस आइडिया पे भी और आइडियाज़ देते कि कैसे उसमें एक चीज़ को और बेटर कर सकती हूँ, कैसे उसको और इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल हाउ दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। आपको ये कैसा लगा, किस तरीके से लगा, आपको उम्मीद भवन बनाने में कितना समय लगता है, इसके ऊपर किस तरीके का है, आप इस रिपोर्ट तक कैसे पहुँचे? ओके, सो अगर समय की बात करें तो दैट अभी जितना मुझे समय लगता है दैट इज़ ऑल माई हार्ड वर्क। जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई यूज़ टू टेक अराउंड 4-6 आवर्स टू मेक वन मिनिएचर, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करती गई और मेरी स्पीड भी इम्प्रूव होती गई विद माई वर्क क्वालिटी, तो अभी जो मैं करंटली वर्क करती हूँ मुझे अराउंड 30-40 मिनट्स लगता है एक मिनिएचर उम्मेद भवन पैलेस बनाने में। तो जैसे जैसे मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करती गई, मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे जैसे बनाया तो जैसे एक लंबी रेंज बन गई ऑब्जेक्ट्स की, तो वहीं से आइडिया आया था ये रिकॉर्ड बनाने का। आप वहां तक किस तरीके से पहुंचे? ओके, सो इट ऑल स्टार्टेड विद माय फर्स्ट रिकॉर्ड। मेरी स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे इस फील्ड में, तो वहाँ से सब, जब मैंने पहला रिकॉर्ड बनाया दैट वाज ऑफ मेंटेनिंग 100% अटेंडेंस इन माय स्कूल, तो वो रिकॉर्ड से ही नेक्स्ट रिकॉर्ड का प्लान बना। सो दैट इज़ द वे। आपको पहला रिकॉर्ड किस तरीके से मिला? सो पहला रिकॉर्ड अगर यूं कहूँ तो मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी तब से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि थर्ड स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक मैंने एक भी दिन लीव नहीं लिया स्कूल से, तो वही रिकॉर्ड बना, 100% अटेंडेंस इन माय स्कूल लाइफ फॉर 10 consecutive years। अब आपका आगे का क्या भविष्य रहेगा, किस तरीके से आप क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली मैं हमेशा से इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती थी एंड आई चोज डिज़ाइनिंग। मैं अपना करियर डिज़ाइनिंग में बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने NID के एंट्रेंस एग्जाम दिए थे और मैंने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया, और अभी मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जोरहाट में पढ़ रही हूँ, और इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ, एंड आई होप आई वर्क मोर हार्ड एंड बी अ लिटिल डिफरेंट इन दिस फील्ड। पेपर पर, लीफ पर, फ्रूट्स पर, वेजिटेबल्स पर, तो काफ़ी डिफरेंट सरफेसेस पर ये आर्ट होता है। तो मैंने इस रिकॉर्ड के लिए 2 सरफेस चूज किए, 1 was apple एंड अनदर 1 was leaf, जो कि मैंने कार्विंग से बनाया। जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड डिफरेंट आर्ट टेक्निक्स, तो मैंने एक्रेलिक पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, कार्विंग, वाटर कलर्स, तो ये डिफरेंट टेक्निक्स भी यूज करी अपने रिकॉर्ड बनाने में, नॉट जस्ट मेकिंग जस्ट वन काइंड ऑफ आर्ट। जी, आज कैसा लग रहा है आपको, बिटिया को 2 रिकॉर्ड मिले हैं, क्या है? सर, इसने रिकॉर्ड बना के हमारे और मेरे और मेरे पूरे परिवार का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इसने मेहनत की, उसकी मेहनत सफल हुई। इन्होंने किस तरीके के रिकॉर्ड बनाए? इसने उम्मीद भवन को 12 अलग अलग सरफेस पे पेंट करके, एकदम छोटे ऑब्जेक्ट पे, मिनिएचर पे पेंटिंग करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया।
साल तक पूरी वो भी अटेंड किया। फिर सुबह उठते तो एक भी छुट्टी नहीं ली तो एक भी छुट्टी नहीं लेने का रिकॉर्ड बना। क्या नाम है? महेश सोनी जी। बताएं आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं जब, और जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं और भी ये मैसेज देना चाहूँगी सभी ऐसी बेटियों की पेरेंट्स को कि अपनी बेटियों का हुनर आगे बढ़ाएं इसी तरह, और नए नए रिकॉर्ड्स दर्ज करवाते जाएं। पढ़ाई में आपको किस तरीके का इंटरेस्ट था? पढ़ाई में वैसे इसकी सेल्फ स्टडी थी क्योंकि मैं खुद एक अपनी शॉप में काम करती हूँ तो इसकी सेल्फ स्टडी थी। लेकिन ये है कि जब कभी इसको कभी ज़रूरत पड़ी किसी भी चीज़ की तो उसकी हम उसने हम सॉरी जी ये मैं ये कहना चाहती थी कि बच्चे बेटियाँ जब आगे बढ़ती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं सारे पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी बेटियों का हुनर आप आगे लाएं और उनको कोई स्टेज दें आप, ताकि बेटियों का हमेशा नाम बना रहे और पेरेंट्स का भी गर्व बना रहे। क्या